हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो कि इस कंद को नहीं पहचानता होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से जो ये कंद देख रहे हैं ना, इसे हर इंसान जानता है, पहचानता है। वैसे मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। तो ये भारत के सभी मैदानों भाग पे इसकी खेती भी की जाती है। जो हमारे वीडियो में देख रहे हैं ना, इसका खेती भी की जाती है इस कंद की। इसकी चार प्रजातियां होती हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसे दोस्तों सुरन कंद के नाम से जाना जाता है, कई जगह इसे जिमी कंद के नाम से भी जानते हैं, और हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। अगर आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे चैनल पे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में साझा की जाएगी, बिल्कुल इसके नाम साझा की जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो भारत देश है ये आयुर्वेद का धरोहर है। यहाँ पे अनेक प्रकार के पेड़ पौधा है, आयुर्वेदिक दवा है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अभी मैं आप लोगों को जो इसका फायदा बताऊंगा, अभी आप स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, या जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो जानकारी बाद में चल करके काम आ सकते हैं। स्वयं नहीं करते तो दूसरे को बता सकते हैं। हमारे वीडियो को देख करके आप भी घर का वैद्य बन सकते हैं, लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, कभी भी वीडियो को आधे मत देखा करें, क्योंकि अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। अनाप शनाप अगर आप नुस्खे को कर लेंगे तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले हैं। हमारे वीडियो का मकसद होता है दोस्तों कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको आयुर्वेदिक दवा को सीखे। मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूं कि जो हमारे दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो हमेशा निरोग रहे, सभी को आयुर्वेद की फ्री में जानकारी हो। इस प्रकार करके मैं काफी दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, जंगलों में झाड़ियों में जाकर के पेड़ पौधों की जानकारी इकट्ठे करके आप सभी को जानकारी शेयर करता हूं। तो एक लाइक बनता है, कृपया एक लाइक जरूर करना। आइए जानते हैं सुरंद कंद के फायदे को। जो सुरंद कंद के फायदे हैं कुछ इस प्रकार से हैं, अगर जंगली सुरन कंद मिल जाए, जिमी कंद मिल जाए, तो इसे पानी में घिस करके या सूखे हुए इसके कंद को पानी के साथ पीस करके कानों पर लगाने से कानों में होने वाले दर्द दूर हो जाते हैं और ये काफ़ी खुजलाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप इसे खाते हैं तो मट्ठे के साथ में ही प्रयोग करें। इसके बाद दोस्तों अगर उदर सूल होता है ना, पेटों में दर्द होता है, तो इसकी सब्जी बना करके सेवन करने से पेटों में होने वाले दर्द दूर हो जाते हैं। इसके बाद बहुत से लोगों को हमने देखे हैं, ये बात बताना ज़रूर, जिनको अगर अर्श की समस्याएं खून जाती हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो उन लोगों में हमने देखे हैं खून जाने की समस्या सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अगर जो लोग अर्श की बीमारी से परेशान हैं, अगर इसका सब्जी बना करके खाते हैं तो बिल्कुल ही अर्श की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं, जो कि मेरे चैनल में जुड़े होंगे जरूर पता होगा, इसके जो सब्जी ना जितना हो सके मठे इसकी सब्जी बना करके खाएं। मठे मतलब दोस्तों इसके जो सब्जी होते हैं ना, इसे आपको पनीर है जिसे कई जगह मठे के नाम से जानते हैं, दही है, उसके साथ में पका करके खाएं। जितना ज़्यादा खट्टा होगा उतना जल्दी से बवासीर की बीमारी में आराम मिलते हैं, और हो सके सीजन में जब भी आपको मिले तो इसके सब्जी खाएं से कुछ दिनों के भीतर में बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। ये बवासीर की बीमारी को क्यों ठीक करता है वो भी थोड़ा सा बता दूँ। तो ये हमारे पेट में इनडाइजेशन सिस्टम को, खाना खाने के बाद जो पचता नहीं है, कब्ज़ बनता है, उसे जल्दी से ठीक करते हैं। बवासीर की बीमारी हमारे शरीर में कब्ज़ बनने के कारण होता है, साथ ही साथ ये गर्मी को भी दूर करता है। इसी वजह से बवासीर की बीमारी इसके खाने से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सलीप पद को ठीक करते हैं, यानी कि अगर हाथी पांव आ गए हैं आपके, तो इसके कंद में मधुरस और घी मिलाकर के लेप करने से जो सलीप पद होते हैं, हाथी पांव होते हैं, बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तो यही थे इसके 2 से 3-4 फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। और अगर और भी कोई इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, आयुर्वेदिक फायदा जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी साझा की जाएगी। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय आयुर्वेद।